हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका लव गुरु। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे लव गुरु चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कठिन समय में खुद को कैसे मजबूत बनाएं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक हमारे लव गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, कठिन समय में खुद को कैसे मजबूत बनाएं। हमारी लाइफ में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा समय आ ही जाता है दोस्तों, जब हम बहुत ही मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं। दोस्तों, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या जॉब की अनसिक्योरिटी हो, या फिर रिलेशनशिप का मैटर हो, सब जब भी ऐसे कठिन हालात लाइफ में आते हैं दोस्तों, तब हम बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, इन हालातों से निकलना हमें बहुत ही मुश्किल लगने लग जाता है। दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब खुद को स्ट्रांग बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बट जब आपके लाइफ में तो एक खराब समय हो, उससे डील कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे समय में व्यक्ति खुद को वो किसी जाल में फंसे पक्षी की तरह ही देखता है दोस्तों, जिसके लिए इस कठिन हालात से निकलना नामुमकिन जैसा हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप खुद को अपनी प्रॉब्लम से छोटा समझोगे तो आपको अपनी हालात बहुत ही मुश्किल नजर आएंगे दोस्तों। लेकिन जब आप खुद को अपने समस्या से बड़ा मान लो तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत ही छोटी ही नजर आएगी दोस्तों। ये कभी ना भूले कि आप एक इंसान हो दोस्तों, न कि वो पक्षी। इंसान के पास बुद्धि की ताकत है दोस्तों, जिसके दम पर वो आपके अपने कठिन हालातों को सही तो बना सकता है, लेकिन साथ ही वो अपने मुश्किल समय से निकल कर अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बना सकता है दोस्तों। अगर अभी आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जिससे आपको डील कर पाना मुश्किल लग रहा है, तो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो लेके आया हूँ। मैं इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप अच्छी तरह से समझकर अपनी लाइफ में अपनाओगे दोस्तों, तो आप बहुत ही जल्दी ही अपने कठिन समय को नॉर्मल सिचुएशन समझने में लगाओगे दोस्तों। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको स्टेप पूरा समझ आए, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर पूरा देखोगे आप, मुझे आशा है ऐसी। कठिन समय में खुद को मजबूत कैसे बनाएं, उनके टिप्स। पहलू, पॉजिटिव रहे। दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट आप सुनने के बाद शायद आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मेरा कठिन समय चल रहा है तो खुद को मैं पॉजिटिव कैसे रख सकता हूँ। दोस्तों, जब भी मुश्किल समय किसी पर्सन की लाइफ में आता है दोस्तों, तो वो हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाता है। वो अपने कठिन हालातों से निकलने के लिए चिंतन नहीं करता, बल्कि अपनी मुश्किल समय के बारे में सोच सोच कर चिंता करने लग जाता है दोस्तों। बस उसी बात को आप समझिए, अपने कठिन हालातों को एक्सेप्ट करें दोस्तों, और जैसे ही आपके माइंड में इस प्रॉब्लम को लेकर चिंता वाला थॉट आए तो दोस्तों वहां पर खुद को रोक ले, यही पॉजिटिव थिंकिंग होती है दोस्तों। अगर आपके माइंड में चिंता वाला थॉट आया और आप उसके बारे में सोचने लगे तो आप नेगेटिविटी की ओर आगे जाने लगोगे दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, इसका उल्टा करना है। अपने बुरे हालातों के बारे में न सोचकर सोचे कि जब आप इस बुरे दौर से निकल जाओगे तब आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी दोस्तों। बीजू, दूसरों से प्रेरणा लें। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहा है दोस्तों,
शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हो। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का दोस्तों? आपको कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देखा नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती है? आपने उन लोगों को भी देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? दोस्तों आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो चल भी नहीं सकते हैं या लगाते हुए चलते हैं। आपने उन छोटे बच्चों को भी देखा होगा जिनकी माता पिता की डेथ हो गई हो और वो अनाथ हो गए हो। आपने उन बच्चों को भी देखा होगा जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। दोस्तों अब ये सुनने के बाद शायद आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। दोस्तों जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके लिए कठिन समय है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली लाइफ हो सकती है। दोस्तों अगर ऐसे लोगों की जीवन में कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों को हम कंपेयर करें तो स्पष्ट है कि आपकी लाइफ, आपकी प्रॉब्लम इन लोगों से सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में हो। दोस्तों बस अपने किसी डिजायर को पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। दोस्तों अपनी रियलिटी को पहचाने। दोस्तों जिस कठिन समय को आप अपनी लाइफ का सबसे बुरा दौर कह रहे हो, दोस्तों आने वाला 5 साल बाद यह बुरा दौर आपके लाइफ में होगा ही नहीं। पर क्या उन लोगों के साथ ऐसा है जिनकी आंखें नहीं है, पैर नहीं है या भूखे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? दोस्तों तीजू, अपनी सच्चाई को स्वीकारें। दोस्तों आपको अपनी लाइफ में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशनशिप से दूर हो गए या अपनी जॉब को खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुखी का रोना ना रोए बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब दोस्तों है कि खुद को कमजोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने की सोचिए। दोस्तों आप किसी भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो, उसे बुरे दिल से स्वीकार कर ले। दोस्तों बस स्वीकार कर लिया दोस्तों, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए और हजार रास्ते मिलेंगे। दोस्तों आप कोशिश तो करिए जानने के कि यह हमेशा याद रखिए कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उसके बारे में सोचिए। दोस्तों जितना एफर्ट के साथ आप प्रयास करोगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आप अपने हालातों से चेंज करने के सफल हो जाओगे। दोस्तों चौथो, धैर्य बनाए रखें। दोस्तों धैर्य का होना हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है। अगर धैर्य आपके लाइफ में नहीं है तो आपको पागल होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों लाइफ में सक्सेस पाने में धैर्य का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दोस्तों चाहे कुछ भी अच्छा करना हो या बुरे दौर से निकलना हो, धैर्य का होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों मुश्किल समय में ये गुण अपने आप ही लोगों में आ जाता है। दोस्तों जो उनको इस मुश्किल समय से निकलने के लिए बहुत पावर देता है। दोस्तों अगर आप क्रिकेट के शौकीन है तो दोस्तों आपको अपने टेस्ट मैच तो देखा ही होगा कि किस तरह से कई टीम अपने मैच को हारने से बचाने के लिए उसे ड्रॉ कराने की कोशिश में चाहती है, सोचेगी। यही वो समय होता है दोस्तों जब खिलाड़ियों के लिए धैर्य की अग्नि परीक्षा होती है। दोस्तों ऐसे समय में अगर बैट्समैन धैर्य रखेगा तो वो मैच बचा लेगा, लेकिन अगर उन्होंने धैर्य खोया तो मैच उनके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों फ्रेंड मुश्किल समय से अपने धैर्य न खोए दोस्तों और धैर्यवान रहे। वो दिन आने वाला है जब आपके जीवन से यह बुरा दौर चला जाएगा और आपकी लाइफ की एक नई सुबह की शुरुआत होगी। दोस्तों पांचवा,
बुक्स और वीडियो देखना शुरू कर दें। दोस्तों, कठिन समय से निकलने के लिए सबसे इजी है कि आपको कठिन समय से निकलना है तो बुक्स पढ़िए, महान लोगों की जीवनी पढ़िए दोस्तों, और अपने उनसे सीखे। कोई भी महान व्यक्ति बिना मुश्किल हालातों से फेस किए महान नहीं बन सकता दोस्तों। हर महान व्यक्ति बड़ी समस्याओं से निकलकर ही बेस्ट बनता है दोस्तों। ऐसे लोगों के संघर्ष के से सीखिए दोस्तों आप। इसके अलावा कोई ऐसी मोटिवेशन बुक्स है जिनको पढ़कर आपको पावर मिलेगी दोस्तों। बुक्स के अलावा आप मोटिवेट करने वाली वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। आज के लिए YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आप खुद को मजबूत बनाने के लिए वीडियो देखना शुरू कर दे दोस्तों। आप मानो या ना मानो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि बुक्स पर वीडियो देखना बहुत ही पावर मिलती है दोस्तों। बस मुश्किल समय से निकलने के लिए एक छोटी चिंगारी ही चाहिए दोस्तों। आपको हौसला अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया दोस्तों, तो आपको सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए बुरे दौर से निकलने के लिए बुक्स और वीडियो का सहारा ले दोस्तों। ये आपकी जिंदगी चेंज तो कर ही देगी, साथ में आपको ज्ञान का भंडार भी दे देगी दोस्तों। छठों, रियलिटी और कल्पना इसे पहचाने दोस्तों। इस पॉइंट में मैं खास तौर पर ये पर जोड़ा हूँ जिससे आपके अपने प्रॉब्लम को समझने में बहुत भी बड़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। हमारी लाइफ में दो तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं, एक रियल प्रॉब्लम और एक कल्पना प्रॉब्लम हो जाता है। रियल प्रॉब्लम हमारे लाइफ में बहुत ही कम होती है दोस्तों। हम सिर्फ कल्पनानिक समस्याओं के बारे में ही सोचकर दुखी होते रहते हैं दोस्तों। माना अगर आपकी नौकरी थी जो अब नहीं रही, तो दूसरी नौकरी आपको तलाशनी पड़ेगी, यह एक रियल प्रॉब्लम है दोस्तों। वही आपकी नौकरी गई और आप बस सोच कर बैठते हो कि जब अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी, ये सब सोचना इमेजिनेशन प्रॉब्लम है दोस्तों, जो हो सकता है कि नहीं भी। तो ऐसे आप अपनी मुश्किल हालातों को समस्या की या आपके रियल प्रॉब्लम है या एक कल्पनिक प्रॉब्लम है दोस्तों। आप दोनों में डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिससे आपके ब्रेकअप हो गया हो दोस्तों, कुछ समय के लिए ये आपकी रियल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से दूर होने के लिए सोचते दुखी होते रहोगे दोस्तों, तो ये इमेजिनेशन प्रॉब्लम है दोस्तों। आप इस इंसान के लिए रो रहे हो जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, बल्कि आपकी मेमोरी में फीड है। उन लोगों के बारे में सोच कर आप दुखी हो रहे हो। रियल में और आपके दुख होने का कोई रीजन भी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए और अपनी प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, वो रियल है या इमेजिनेशन ही प्रॉब्लम है। सात, अपनी अच्छाई को पहचाने। लास्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, अपनी अच्छाई को पहचाने, यानी कि आपके अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं उन पर गौर करें दोस्तों। हर व्यक्ति में कुछ बुराई होती है तो बहुत ही अच्छाई भी होती है दोस्तों। आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां है दोस्तों जिसके लिए आपको दुख पर गर्व होना चाहिए, खुद पर गर्व होना चाहिए दोस्तों। अभी आपकी लाइफ मुश्किल दौर से गुजर रही है दोस्तों, तो शांत रहे और अपनी हालातों पर नजर बनाए रखें दोस्तों। आपकी यह रियल प्रॉब्लम कुछ समय बाद निकल जाएगी दोस्तों, तब आपकी लाइफ से खुशियां होगी दोस्तों। इस प्रॉब्लम को शायद आप भूल भी जाएंगे दोस्तों, इसलिए अपनी समस्या को लेकर अभी कोई भी ऐसा रिस्क न ले जिससे आपको कुछ भी नुकसान हो जाए दोस्तों।
अपने बुरे दौर से निकलने के लिए अपनी अच्छाई को बाहर लाए दोस्तों, खुश रहे दोस्तों, अपने आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचे दोस्तों, मुश्किल समय के बारे में सोचने के लिए बजाय आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में खुश रहे दोस्तों। दोस्तों ये जिंदगी एक यात्रा की तरह है जिससे कई बार बहुत अच्छा सफर करने को मिलता है दोस्तों, तो वही कई बार सफर का अंदाजा आनंद गायब हो जाता है दोस्तों, और यह सफर थोड़ा कठिन लगने लगता है, लेकिन ये जिंदगी का पहलू है। लाइफ में खुशियां हैं तो दुख भी है, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के हर हालात में कैसे रिएक्ट करते हो दोस्तों, कैसे आप खुद को मजबूत बनाते हो। आप अपने कठिन समय से हार मानना पसंद करते हो या खुद बहादुर व्यक्ति की तरह इस स्थिति से तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करते हो दोस्तों। मेरा आपसे यही कहना है कि ये कठिन दौर जल्द ही आपकी लाइफ से निकल जाएगा दोस्तों। अब आपके लिए ये समस्या होगी भी नहीं दोस्तों, इसलिए अभी धैर्य के साथ खुद को मजबूत रखिए और आने वाला बेहतर समय के लिए उम्मीद बनाए रखें दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और साथ ही आपने अभी तक हमारे लव गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।